हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 7 रियल एनालिसिस का, जहां पे हम काउंटेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो पे हमने 50 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे, तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ जो पिछले वीडियो के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाके आप सारे पिछले वीडियो देख सकते हो, जहाँ पर मैंने बाकी सारे टॉपिक के और रियल एनालिसिस के भी क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके अलावा अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पिछले लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस किया था, तो आज का क्वेश्चन नंबर 51। अब क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट इज आर फॉल्स, मतलब इसमें से ऐसे कितने स्टेटमेंट हैं जो फॉल्स हैं। अब चेक करते हैं एक एक स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, द कार्डिनलिटी ऑफ 01×01। आपको पता है हम क्या लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हर एक का क्या निकाल लेते हैं, पहले हम कार्डिनलिटी निकाल लेंगे और उसमें से जो लार्जर होगा उसी को हम क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी। अब 01 हमको पता है इंटरवल है, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, सी क्रॉस, और 01 इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, सी। तो देयरफॉर सी क्रॉस सी ये कितना हो जाता है, सी, क्योंकि लार्जर कार्डिनल नंबर देखते हैं बाय अरिथमेटिक ऑफ कार्डिनल नंबर। तो देयरफॉर जो फर्स्ट सेट की कार्डिनलिटी है वो सी के इक्वल होगी, और सी किसकी कार्डिनलिटी होती है, रियल नंबर की। और ये कह रहा है कि इस नंबर का जो कार्डिनल नंबर है या कार्डिनलिटी है वो किसके इक्वल होगा, आर की कार्डिनलिटी के इक्वल। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, क्योंकि हमें क्या चेक करना है कि कितने स्टेटमेंट नंबर बताना है, कि चारों तीनों में से ऐसे कितने स्टेटमेंट है जो ट्रू है, अरे फॉल्स है। बट ये ट्रू हो गया तो हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ आर मतलब सी कार्डिनलिटी ऑफ इरेशनल के इक्वल है, तो हमें पता है कि कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर और कार्डिनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर दोनों सेम होते हैं। तो देयरफॉर ये भी राइट है, दोनों राइट है, इसका मतलब फॉल्स एक भी नहीं है। अब थर्ड देखते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ आर मतलब सी ये किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, हाँ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कार्डिनलिटी सी होता है, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में, ये क्या होता है, रियल नंबर, तो कितनी कार्डिनलिटी हो जाएगी, सी। बी बिलोंग करता है रियल नंबर को, इसकी भी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, सी। तो सी क्रॉस सी कितना आ जाएगा, सी। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये कह रहा है कि ऐसे कितने स्टेटमेंट है फॉल्स, तो ये तीनों ही कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 0 ऐसे स्टेटमेंट है जो फॉल्स है, तो इसमें एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो क्या है, ट्रू है। तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देयर आर 0 स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है एवरी काउंटेबल सेट इज सिमिलर टू एन। अच्छा एक बात बताओ, काउंटेबल सेट में फाइनाइट सेट भी आ जाते हैं और काउंटेबली इनफाइनाइट भी आते हैं, तो फाइनाइट सेट किसके इक्वल होता है, ये इक्विवेलेंट होता है SN के, वेयर SN इज सम सेट 1 to n, ठीक है। तो फाइनाइट सेट किसके इक्विवेलेंट होता है, SN, वेयर SN इज 1 to solve up to n। लेकिन ये कह रहा है कि काउंटेबल सेट सिमिलर होगा n के, तो अगर मैं फाइनाइट सेट ले लूँ तब तो वो n के सिमिलर नहीं होगा, हाँ काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, या डी न्यूमरेबल बोलते हैं, अगर वो सेट है तब तो हम कहेंगे कि वो एन के इक्विवेलेंट है, बट फाइनाइट सेट इज नॉट इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर, तो हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट इंटरवल, हमें पता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि जितने भी सेट ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल होते वो कितने कैसे होते हैं, काउंटेबल। वो कह रहा है कि रियल नंबर के इक्विवेलेंट होगा, तो ये भी फॉल्स हो गया, मतलब पहला फॉल्स, सेकंड फॉल्स, द सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट इंटरवल इज नॉट सिमिलर। अच्छा ये राइट है, क्यों कह रहा है कि द सेट ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल नॉट बोल रहा है ना, जब नॉट बोल रहा है मतलब ये करेक्ट हो गया, क्योंकि हमें पता है कि डिसजॉइंट इंटरवल की जब मैं बात करता हूँ वो कैसे होते हैं, हमेशा काउंटेबल होते हैं, और ये कह रहा है कि वो रियल नंबर के सिमिलर होगा, और नॉट लगा दी मतलब सिमिलर नहीं होगा, सही बात है ये सिमिलर नहीं होता है। द पावर सेट ऑफ एन, एन का पावर सेट पी ऑफ एन, एन की कार्डिनलिटी अगर अलिफ नॉट है
तो पावर सेट की कार्डियटी कितनी होगी, 2:L0, और 2:L0 इज नथिंग बट सी, वेर सी इज द कार्डियटी ऑफ रियल नंबर। और यही तो कह रहा है कि पावर सेट एन जो है वो एन के रियल नंबर के सिमिलर है, क्यों, क्योंकि दोनों की कार्डिनलिटी सेम है। देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो 2-3 कौन सा है हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। तो देयरफॉर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी, क्योंकि 2 और 3 स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले ध्यान से समझो। पी एन एम ये सेट ऑफ पॉलिनोमियल है डिग्री एन का, ठीक है, मतलब पी एन एम इसके लिए दिया है, जैसे हम लिखते हैं ना पी एन एफ एक्स, पी एन ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है कि ये एन डिग्री का एक पॉलिनोमियल है जिसके कोएफिशिएंट सम किसी कहीं से बिलोंग करेंगे जो कि गिवन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो कोएफिशिएंट है वो इंटीग्रल है, मतलब मैं अगर पॉलिनोमियल ले लूँ एन डिग्री का ए नॉट प्लस ए वन एक्स सॉल्व अप टू ए एन एक्स रेस टू एन, ये एन डिग्री का पॉलिनोमियल है और कोएफिशिएंट जो है वो सारे इंटीग्रल है, इंटीग्रल है मतलब सब जेड को बिलोंग कर रहे हैं। अगर इतना ही क्वेश्चन में गिवन होता तो ये सेट कैसा हो जाता, अलिफ नॉट कार्डिनेटी जेड की भी अलिफ नॉट, अलिफ नॉट, अलिफ नॉट, और कितने टाइम्स, फाइनाइट टाइम, दैट इज अलिफ नॉट रेस टू एन, और अलिफ नॉट रेस टू एन क्या होता है, अलिफ नॉट, क्योंकि लार्जर कार्डिनेलिटी देखते हैं और लार्जर कार्डिनेलिटी क्या है, अलिफ नॉट। तो देयरफॉर ये हो जाता काउंटेबली इनफाइनाइट, मतलब ये कंडीशन राइट हो जाती, बट क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दिया है, कंडीशन ये है कि जो कोएफिशिएंट है वो किसी एम के इक्वल होना चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल सी मदद से आपको बताता हूँ, ये कह रहा है कि जैसे मैं ले लूँ पी 2-3, या फिर इतना बड़ा नहीं उससे छोटा ले लेते हैं, हाँ ठीक है फिर 2-3 ले लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि एक पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का सच दैट जिसके कोएफिशिएंट का मॉड लगा के अगर मैं सम लूँ तो आंसर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब एक काम करो, एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लो, तो कैसे आएंगे 2 डिग्री के पॉलिनोमियल, जब हम 2 डिग्री के पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, सच दैट ये सारे इंटीजर्स होंगे, सारे इंटीजर्स होंगे, और थोड़ा ध्यान से देखो, कह रहा है ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू की वैल्यू आंसर 3 आनी चाहिए। अब मैं कौन कौन से नंबर ले सकता हूँ, अच्छा एक बात बताओ, जो वैल्यू पॉजिटिव के लिए होगी वही वैल्यू नेगेटिव के लिए होगी, मतलब जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, इसका मतलब मैं नंबर कभी 3 से ग्रेटर नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं नंबर 3 से ग्रेटर ले लूँ तो कभी भी नेगेटिव कैंसिल नहीं होगा क्योंकि सारे पॉजिटिव है, और माइनस 3 से छोटा नहीं ले सकता हूँ, मतलब जो मेरे पास पॉसिबिलिटी है वो कहाँ कहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यही सारे नंबर है जहाँ से मैं नंबर सिलेक्ट कर सकता हूँ कोएफिशिएंट को ताकि वो m के इक्वल हो। और जैसे कि मैं अगर आपको पॉसिबिलिटी बताऊँ तो कैसे पॉसिबिलिटी होंगे, और याद रखना जब हम पॉलिनोमियल बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो मैं अगर 1 के प्लेस पे 3 रख दूँ तो बाकी 2 के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, 0। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सम है, बट ये वाला केस तो नहीं ले सकता, ये वाले 3 केस हो गए जब मैं 1 को 3 रखूँ बाकी को 0 रखूँ, बट इसमें से ये वाला हटा दो, ये वाला इसके लिए हटा देंगे क्योंकि अगर ये 0 हो गया इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, तो ये 2 केसेस हो गए, ये 2 ऑप्शन हैं। और उसके बाद और कैसे पॉलिनोमियल बना सकता हूँ मैं, ये देखो मैं क्या बता रहा हूँ, कितनी पॉसिबिलिटी है, मैं किस तरीके से कोएफिशिएंट को क्या क्या एलिमेंट दे सकता हूँ। तो एक बार तो मैं क्या करूँगा, एक एलिमेंट को 3 रखूँगा और बाकी सारे एलिमेंट को 0, या तो मैं हो सकता है कि एक एलिमेंट को 1 रखूँ और सेकेंड को 2 और एक को 0, मतलब इसको 1, सेकेंड को 3rd और 3rd को 0, बट नहीं, एक काम करते लाइन से लेते 0, 1, 2 इस तरीके से ले रहा हूँ, फिर मैं इसको फ्लिप कर सकता हूँ 0, 2, 1, फिर उसके बाद 1, 2, 3 लिख 1, 2, 0 लिख सकता हूँ, फिर इसके के बाद इसको फ्लिप कर दूँगा तो यह आ जाएगा 1, 0, 2, फिर उसके बाद लिख सकता हूँ एक
क्या हो गया 012120 और 201, और फिर इसको फ्लिप करूंगा तो ये 210, ठीक है। टोटल 6 पॉसिबिलिटी बन गए, बट जिसमें से ये भी कैंसिल कर दो, ये भी कैंसिल कर दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये 4 पॉसिबिलिटी है, मतलब कुछ फाइनाइट पॉसिबिलिटी बन रही है। ऐसे और भी क्या कर सकता हूँ मैं, तीनों को 1-1 ले लूँ, इसको भी 1 ले लूँ, इसको भी 1 ले लूँ, इसको भी 1 ले लूँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस तरीके से जो भी पॉसिबिलिटी होगी कि उनका सम कितना होना चाहिए 3, तो ऐसे फाइनाइट नंबर ही होंगे। कोएफिशिएंट के पास कितने ऑप्शन होंगे, फाइनाइट ऑप्शन। जैसे कि अगर मैं m को सपोज 5 ले लूँ, तो मेरे पास नंबर की पॉसिबिलिटी कितने होंगे, माइनस 5 से लेके प्लस 5 तक। और मैं पोजीशन भी चेंज करूंगा तो पोजीशन भी कैसे होंगे, कुछ पर अरे कॉम्बिनेशन के फॉर्म में होंगे कि इतने इतने पोजीशंस हैं और इतने पोजीशंस पे ये नंबर मुझे डालने, बट रहेंगे तो सम फाइनाइट ही, क्योंकि इसके अलावा तो मुझे बाहर के नंबर सेलेक्ट ही नहीं करने, क्योंकि अगर मैं इससे ग्रेटर सेलेक्ट कर दूंगा तो वो नंबर कभी भी 5 के इक्वल नहीं होगा। और एम कैसा नंबर है, एम किसी नेचुरल नंबर का एक फाइनाइट नंबर होगा, तो देयरफॉर ये सेट कुछ भी कर ले कभी भी फाइनाइट से ज़्यादा इसके पास ऑप्शन होंगे ही नहीं। ऐसे कितने बना सकता हूँ मैं, फाइनाइट बना सकता हूँ, या इन जनरल भी आप ये चेक कर सकते हो। तो ये काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं है, हर एक एम एन के लिए फाइनाइट होगा, किसी एक के लिए नहीं, तो ये भी रॉन्ग। कह रहा है कि अगर मैं यूनियन ले लूँ सेट ऑफ ऑल अल्जेब्राइक नंबर, तो ऐसा नहीं है कि सारे अल्जेब्राइक नंबर आ जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि कह रहा है कि पी ऑफ एम एन सेट ऑफ ऑल अल्जेब्राइक नंबर, नहीं ले लूँ इस, अगर कह रहा है कि अगर मैं सारे पी एम एन का यूनियन ले लूँ तो अल्जेब्राइक नंबर, नहीं ये भी रॉन्ग है, अल्जेब्राइक नंबर नहीं होगा, क्योंकि पी एक पॉलीनोमियल है एन डिग्री का, नहीं ठीक है, पी एम एन फाइनाइट होगा, हाँ तो ये वाला हो जाएगा, हर एक एम एन के लिए ये फाइनाइट आएगा, तो बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि एस एक सेट है, वो सारे रियल नंबर जो रिकरिंग डेसिमल नंबर होंगे। अच्छा अब थोड़ा रिकॉल करो कि इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, इरेशनल नंबर का जो डेफिनेशन है, इरेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। तो रैशनल का डेफिनेशन क्या हो गया, वो नंबर जो या तो टर्मिनेट हो रहे हैं या तो रिकरिंग हो रहे हैं, और ये कह रहा है कि हमको रिकरिंग नंबर लेना है। यानी कि रैशनल नंबर को हम बचपन में ऐसे आइडेंटिफाई करते थे जो या तो रिकरिंग हो या तो टर्मिनेटिंग हो, ये कह रहा है अब रिकरिंग नंबर के सारी कलेक्शन ले लो, वो रियल नंबर ले लो जो रिकरिंग हो रहे हैं, मतलब रैशनल का वो पार्ट जो रिकरिंग हो रहा है। अब ये ही अगर काउंटेबल है तो उसका सबसेट भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल, ये कह रहा है एस काउंटेबल होगा, हो सकता है पॉसिबल है टी काउंटेबल, हमने चेक नहीं किया, लेकिन कह रहा है एस नॉट, ये हटा दो, एस और टी बोथ आर काउंटेबल, टी का हमने चेक नहीं किया है, कह रहा दोनों अनकाउंटेबल, ये भी हटा दो। अब बचा मतलब ए और सी हो सकते हैं, अब ए और सी में टी चेक करना है, टी क्या कह रहा है कि वो रियल नंबर ले लो जो किसके फॉर्म में होगा, पी बाय क्यू के रूट के फॉर्म में होगा फॉर सम डिस्टिंक्ट प्राइम पी एंड क्यू, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, पी मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, क्यू मेरा प्राइम नंबर है, ये क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, और सारे इरेशनल के ऊपर अगर मैं रूट लगा दूँ, टोपी लगा दूँ। अब जैसे एक बात करो, एक काम करो, मेरे पास जितने भी नंबर है नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैं अगर इसके ऊपर रूट लगा दूँ, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि ये इरेशनल पूरे नंबर आ जाएंगे और ये अनकाउंटेबल आ जाएगा, इसके अंदर पाई आ जाएगा, ई आ जाएगा, लॉग 2 आ जाएगा, लॉग 3 आ जाएगा, लॉग 5, 6 ये सारे नंबर आ जाएंगे, या ई आई रेस टू आई, ये सब नंबर आ जाएंगे इसमें। अच्छा हाँ, आई रेस टू आई ये रियल नंबर होता है, ई रेस टू माइनस पाई बाई टू, ठीक है, तो ये सारे नंबर आ जाएंगे इसके अंदर, ऐसा तो नहीं है, इसके अंदर तो नेचुरल नंबर के सिर्फ रूट आ गए ना, तो देयरफॉर ये इरेशनल नंबर तो है, बट इरेशनल के सारे नंबर तो नहीं आ गए, तो सिर्फ टोपी लगाने से या रूट लगाने से वो सारे इरेशनल नंबर को अपने अंदर कंटेन नहीं करता है। तो देयरफॉर रैशनल का अगर मैं रूट लगा दूँ
रैशनल काउंटेबल है तो उसके ऊपर रूट लगाने पे नंबर वही रहेंगे, सिर्फ वो नंबर रैशनल से इरैशनल में चले जाएंगे। यानी इरैशनल में वही नंबर है जो रैशनल के ऊपर रूट लगाया गया है, मतलब सारे अलजेब्राइक नंबर आ जाएंगे उसमें, ठीक है। तो देयरफोर ये भी क्या होगा, काउंटेबल। तो एस एंड टी बोथ आर काउंटेबल, तो ये राइट है, बाकी ये ए बी सी और डी ऑप्शन रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, एवरी इनफाइनाइट सेट, जितने भी इनफाइनाइट सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं टू एटलीस्ट वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। ये डेफिनेशन ही है इनफाइनाइट सेट का, कि अगर कोई सेट इनफाइनाइट है तो वो हमेशा एक ऐसी प्रॉपर सेट एग्जिस्ट होती है जिसके साथ इक्विवेलेंट होता है। जैसे नेचुरल नंबर, ये इनफाइनाइट सेट है, इसके पास ऐसे बहुत सारे प्रॉपर सबसेट है। जैसे मैं इवन नंबर ले लूँ, इवन नंबर के साथ इक्विवेलेंट है, मैं ऑड नंबर ले लूँ, ऑड नंबर के साथ इक्विवेलेंट है, प्राइम नंबर ले लूँ, प्राइम नंबर के साथ इक्विवेलेंट है। ये तीनों ही सेट है जिसके साथ ये इक्विवेलेंट होता है, कौन, नेचुरल नंबर। क्यों, इसकी भी कार्डिनिटी अलिफ नॉट, और बाकी सारे सेट जो मैंने अभी बताए, चाहे सेट ऑफ प्राइम नंबर ले लो, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर ले लो, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर ले लो, ये सारे क्या होते हैं, किसके साथ है, नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट होते हैं। और जबकि है क्या, सबके सब प्रॉपर सबसेट है, किसके, नेचुरल नंबर के। ऐसे इंटीजर्स का प्रॉपर सबसेट है नेचुरल नंबर, बट दोनों की कार्डिनिटी सेम है। तो देयरफॉर ये जो सेट है हमारे पास इंटीजर्स, वो भी कैसा है, फाइनाइट इनफाइनाइट है, मतलब वो अपने नेचुरल नंबर प्रॉपर सबसेट के साथ क्या है, इक्विवेलेंट। तो ये इनफाइनाइट सेट के अंदर ही होता है कि एवरी इनफाइनाइट सेट वो इक्विवेलेंट होते हैं कम से कम अपने एक प्रॉपर सबसेट के साथ, और ये हम इसका कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। अगर एक सेट इक्विवेलेंट है टू वन ऑफ इट्स पावर प्रॉपर सबसेट, देन इट इज़ इनफाइनाइट सेट। कह रहा है कि अगर कोई भी सेट, मान लो कोई भी एक सेट है ए, और वो इक्विवेलेंट है बी, वेयर बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो इसका मतलब ये है, और बी अगर ए का प्रॉपर सबसेट है और ए बी के साथ इक्विवेलेंट है, दैट मीन्स ए इनफाइनाइट है, क्योंकि फाइनाइट सेट कभी भी अपने प्रॉपर सबसेट के साथ इक्विवेलेंट नहीं होता। तो देयरफॉर यहाँ से ये क्लियर हो गया कि दोनों ही सेट इनफाइनाइट है, और दोनों ही सेट कैसे हैं, अपने प्रॉपर सबसेट के साथ इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये दोनों सेट क्या है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देयरफॉर हमारा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये थोड़ा ध्यान से देखो। कह रहा है A1 से लेके AN तक ये सेट है, ठीक है, N कोई एक फिक्स नेचुरल नंबर है। कह रहा है कि A, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखो क्या कह रहा है कि A1, A2 से लेके AN तक ये सेट्स हैं, और N मान लो कोई फिक्स नेचुरल नंबर है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, आप क्या करो, AI का फाइनाइट इंटरसेक्शन ले लो, और वो अगर काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाए, इसका मतलब ये है कि कम से कम AI, एक AI अनकाउंटेबल होगा। मतलब क्या कह रहा है, हमारे पास बहुत सारे सेट है A1, A2, A3, सॉल्व अप टू AN, ठीक है, ये सेट गिवन है, एन एक फिक्स नेचुरल नंबर है। मैं फाइनाइट इंटरसेक्शन ले लूँगा इन सारे सेट का, और वो काउंटेबली इनफाइनाइट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कम से कम एक तो ऐसा सेट है जो कि काउंटेबल होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कुछ फाइनाइट इंटरसेक्शन ले रहा हूँ किसी सेट का और वो काउंटेबल आ गया, इसका मतलब सारे सेट काउंटेबल है। कहने का मतलब कि अगर मैं अनकाउंटेबल सेट ले लूँ तो उसका फाइनाइट इंटरसेक्शन काउंटेबल नहीं आ सकता, ये कह रहे हैं। तो अगर ऐसा नहीं हो तो हमको एक काउंटर एग्जांपल देना होगा। काउंटर एग्जांपल ये देना होगा कि सारे के सारे सेट अनकाउंटेबल है, बट फिर भी उसका फाइनाइट इंटरसेक्शन कैसा है, काउंटेबल है, ठीक है। हमें ये बताना है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ही लेना है ना। अच्छा सेकेंड देखो, पहले सेकेंड क्या कह रहा है कि मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लूँ, ए वन ले लूँ, ए टू ले लूँ, ए एन ले लूँ, ये काउंटेबली इनफाइनाइट है, ठीक है। तो देन ईच ए आई फॉर आई इज इक्वल टू वन टू एन इज अ काउंटेबल।
अच्छा एक बात बताओ, ये तो हमारे पास रिजल्ट है कि अगर काउंटेबल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, अगर ए वन ए टू सॉल्व अप टू ए एन अगर काउंटेबली इनफाइनाइट है, इसका मतलब हर एक ए आई क्या हो गया, काउंटेबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक भी ए आई अनकाउंटेबल होता है तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कभी भी काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि हम जब कार्डिनल नंबर लेते हैं तो उसमें से लार्जर नंबर देते हैं, ठीक है। तो अगर एक भी सेट कार्डिनल नंबर अनकाउंटेबल हो गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो भी अनकाउंटेबल होगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि अगर ए आई ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए अन से लेके ए एन तक, और इसका आंसर काउंटेबली इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब हर एक आई क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट है, मतलब सेकेंड जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है, अब फर्स्ट देखते हैं कि ये कह रहा है कि ए अगर इंटरसेक्शन काउंटेबली इनफाइनाइट है तो कम से कम एक ए आई काउंटेबल होगा। तो हमें क्या करना होगा, एक एग्जांपल लेना होगा जिसकी मदद से हम लोग ये कहेंगे, अगर ये इसको डिस्प्रूव करना है कि सारा सेट अनकाउंटेबल है लेकिन उसका फाइनाइट इंटरसेक्शन लेने पे क्या आ रहा है, वो काउंटेबली इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है। तो 56 के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक काम करो, हमको क्या चाहिए कि ए और ए वन ए टू अनकाउंटेबल हो बट उनका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या आना चाहिए, काउंटेबली इनफाइनाइट आना चाहिए। एक काम करो, ए वन को कोई भी इंटरवल ले लो, वन और टू, और यहाँ पे यूनियन ले लो नेचुरल नंबर, और एक सेट ले लो जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 to 4, ताकि इन दोनों का कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं आना चाहिए, ताकि वो एक इंटरवल ना बने, और यूनियन में फिर से नेचुरल नंबर ले लो। जब आप इनका इंटरसेक्शन लोगे ना तो सिर्फ नेचुरल नंबर आएगा, जो कैसा आ रहा है, काउंटेबली इनफाइनाइट आ रहा है, लेकिन न तो ए वन काउंटेबल है ना ही ए टू काउंटेबल है, ए वन ए टू में से एक भी काउंटेबल नहीं है बट फिर भी इंटरसेक्शन काउंटेबली इनफाइनाइट आ रहा है, तो देयर फोर हमारा फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे फाइनाइट सेट में क्या ले सकते हो, ऐसे इंटरवल ले लो जो डिस्जॉइंट है, ऐसे कितने भी एन तक ले सकते हो, और यहाँ पे वो सेट ले लो जो काउंटेबली इनफाइनाइट हो, और सिर्फ सेम सेम ले लो। जब इनका इंटरसेक्शन लोगे तो यही सेट आएंगे जो कि काउंटेबली इनफाइनाइट है, इसको आप इंटीजर से रिप्लेस कर सकते हो, इसको रैशनल से रिप्लेस कर सकते हो, किसी भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट से रिप्लेस कर सकते हो, और ये आप डिस्जॉइंट इंटरवल ले लो या फिर ऐसा सेट जो अनकाउंटेबल है, तो ये तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, और यहाँ पे सारे कॉमन एलिमेंट जो कि काउंटेबली इनफाइनाइट, और ये सारे कैसे हैं, अनकाउंटेबल है। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, और यूनियन में एक भी अनकाउंटेबल सेट आ गया तो क्या आता है, वैसा अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। ये क्लियर है आपको? तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट है बट वन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है कि एफ मान लो सारे फंक्शन हैं जो डिफाइन हो रहे हैं एक फाइनाइट सेट से लेके वो बी सेट तक जो कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का सबसेट है। अब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का सबसेट मतलब फाइनाइट सेट भी हो सकता है, इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है, क्योंकि सबसेट को स्पेसिफाई नहीं किया है। पहला ऑप्शन, क्या एफ काउंटेबल होगा? दोनों केस देखते हैं, यहाँ का जो सेट है वो फाइनाइट है, यहाँ सेट के पास दो ऑप्शन है, वो फाइनाइट भी ले सकते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट भी ले सकते हैं, अलिफ नॉट, और ये इसकी कार्डिनिटी कुछ n होगी, इसकी भी कार्डिनिटी कुछ m होगी। अब n रेस्ट टू m लूँ, क्योंकि फंक्शन डिफाइन करना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितने फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ जो सेकेंड सेट की कार्डिनिटी होगी पावर में फर्स्ट सेट की कार्डिनिटी। अगर ये फाइनाइट है तो n रेस्ट टू m भी फाइनाइट है, अच्छा इसकी सेट की कार्डिनिटी m है, और ये सपोज m ले लेते हैं तो m रेस्ट टू n ये भी फाइनाइट होगा। लेकिन अगर मैं काउंटेबली इनफाइनाइट यहाँ के सेट को ले लूँ और यहाँ का n, तो अलिफ नॉट रेस्ट टू n भी कितना होता है, अलिफ नॉट, मतलब दोनों ही केस में वो काउंटेबल आ रहा है, तो ये ऑप्शन राइट हो गया। सेकेंड कह रहा है अनकाउंटेबल, ये तो होगा ही नहीं। थर्ड कह रहा है इनफाइनाइट, अच्छा इनफाइनाइट में क्या होता है, दोनों आ जाते हैं, फाइनाइट भी आ जाता है, काउंटेबली इनफाइनाइट भी आ जाता है। एक काम करो, यहाँ सेट की कार्डिनिटी कितनी है n, और यहाँ पे अगर मैं फाइनाइट सेट ले लूँ तो m रेस्ट टू n ये इनफाइनाइट नहीं है, ये कैसा आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, तो अपना जो ये ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन, f काउंटेबल होगा इफ b इज़ फाइनाइट, सीधी सी बात है, अगर ये फाइनाइट है और ये n है तो फाइनाइट ही आएगा, और फाइनाइट कैसा होता है, काउंटेबल।
तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग है। इनफाइनाइट रॉन्ग होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा आ रहा है जो एलिमिनेट कर देगा कि अगर मैं बी को फाइनाइट सेट ले लूँ और आई एन तो मेरा फाइनाइट है क्योंकि वन से लेके अंत तक एलिमेंट है, तो वो मेरा फाइनाइट आ जाएगा जो कि इनफाइनाइट नहीं होता। तो आई होप आपको क्लियर, काउंटेबल हो सकता है बट इनफाइनाइट नहीं हो सकता। 58, अब ये थोड़ा ध्यान से देखो, ए अनकाउंटेबल सबसेट है रियल नंबर का, बी प्रॉपर इनफाइनाइट सबसेट है नेचुरल नंबर का। डिफाइन करना एक फंक्शन बी से लेके ए तक सच दैट कि फंक्शन 1-1 हो जाए। 1-1 का कंडीशन रिकॉल करो, ए सेट के कार्डिनेटी बी सेट के कार्डिनेटी से लेस देन इक्वल, एक चीज़ तो ये पता चल गया। ये कह रहा है ए अनकाउंटेबल सेट है और बी एक प्रॉपर इनफाइनाइट सबसेट है नेचुरल नंबर का। मतलब जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं बी से लेके ए तक, इसकी कार्डिनेटी इससे बड़ी है और ये कह रहा है ये अनकाउंटेबल है, ये कह रहा है ये काउंटेबल है क्योंकि नेचुरल नंबर का सबसेट है। पहला ऑप्शन कह रहा है ए और ए माइनस बी आर सिमिलर, ए और ए माइनस बी सिमिलर होंगे, ए अनकाउंटेबल है, और कह रहा है कि ए में से बी को माइनस कर दो, ए में से बी को माइनस कर देंगे मतलब अनकाउंटेबल में से अगर मैं काउंटेबल को माइनस कर दूँ तो कितने बचेंगे अनकाउंटेबल। तो इसका मतलब क्या होगा, ए और बी क्या हो जाएंगे दोनों आपस में इक्विवेलेंट। और दूसरी बात, रियल नंबर के अनकाउंटेबल में से मतलब कार्डिनेटी सी में से, सी में से अगर आप कुछ काउंटेबल एलिमेंट हटा भी दो ना तो भी उसकी कार्डिनेटी किसके इक्वल होती है, सी के इक्वल। अनकाउंटेबल में कौन सा, सी, उससे बड़ा नहीं, अगर उससे बड़ा रहेगा तो सिमिलर नहीं होगा, मैं अनकाउंटेबल में सी की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे इक्विवेलेंट, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि ए तो मेरा क्या है रियल नंबर का अनकाउंटेबल सबसेट है और बी नेचुरल नंबर का कुछ इनफाइनाइट सबसेट है, प्रॉपर इनफाइनाइट, और नेचुरल नंबर खुद ही काउंटेबली इनफाइनाइट है तो उसके सबसेट भी कैसे होंगे काउंटेबली इनफाइनाइट। तो पूरे रियल नंबर के अनकाउंटेबल में से कुछ फाइनाइट इनफाइनाइट काउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट अगर निकाल भी दोगे तो भी इसके पास कितने बचते अनकाउंटेबल। तो ए अनकाउंटेबल और ए में से बी को निकाल दोगे तो भी अनकाउंटेबल, ये कैसे हो रहा पता है रियल नंबर के जैसा। रियल नंबर की कार्डिनेटी क्या अलिफ नॉट, अरे सॉरी सी अनकाउंटेबल है और उसमें से पूरे रैशनल्स को निकाल दो, बचा क्या इरैशनल, तो इरैशनल भी क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल। तो इरैशनल और रियल नंबर आपस में दोनों कैसे इक्विवेलेंट, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये कह रहा है ए और ए में से बी ऑफ एफ ऑफ बी को निकाल दो। अब एफ ऑफ बी क्या है, बी मेरे पास नेचुरल नंबर के सबसेट, फंक्शन 1-1 है, तो अगर ये इसके पास कितने एलिमेंट है सबके 1-1 मैप करेंगे, अगर इसके पास काउंटेबली इनफाइनाइट है तो जो इमेज जाएगा उसके पास भी सेम उतने ही एलिमेंट होंगे काउंटेबली इनफाइनाइट। अब फिर से काउंटेबली इनफाइनाइट को अगर आप अनकाउंटेबल में से माइनस करोगे तो अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल और ए भी अनकाउंटेबल तो दोनों इक्विवेलेंट। सेम कॉन्सेप्ट रियल नंबर में भी बात कर रहा है कि रियल अनकाउंटेबल, रियल में से कुछ काउंटेबल को माइनस भी कर दोगे तो भी अनकाउंटेबल, तो आपस में कैसे इक्विवेलेंट। अनकाउंटेबल में भी कैसा सी, तो देयरफॉर तीनों ही क्या है इक्वल है, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे अगर ये मल्टीपल चॉइस का है, लेकिन अगर ये सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है तो इसका एक ही आंसर आएगा, वो आएगा डी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि पी एन सेट ऑफ ऑल पॉलीनोमियल है डिग्री एन का जिनका कोएफिशिएंट इंटीग्रल है, मतलब ए एन प्लस ए वन एक्स सॉल्व अप टू ए एन एक्स रेस टू एन, जिसका हर कोएफिशिएंट जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीग्रल मतलब जेड। ठीक है, कितने ऑप्शन अलीफ नॉट, कितने ऑप्शन अलीफ नॉट, यहाँ से भी कितने ऑप्शन अलीफ नॉट, तो अलीफ नॉट क्रॉस अलीफ नॉट लार्जर कार्डिनेटी क्या आ रही है, कितने टाइम्स है फाइनाइट टाइम्स है, तो एन रेस टू एन बोलो या लार्जर कार्डिनल नंबर बोलेंगे तो एन आ रहा है, तो देयर फोर अलीफ नॉट है। कह रहा है कि ये एक फाइनाइट सेट होगा जिसके पास एन रेस टू एन एलिमेंट होंगे, नहीं अलीफ नॉट रेस टू एन होगा, एन रेस टू एन नहीं होगा, फाइनाइट सेट है ये भी रॉन्ग, अनकाउंटेबल सेट है ये भी रॉन्ग, तो वो काउंटेबल सेट होगा क्योंकि वो एन है और एन क्या होता है हमारा काउंटेबल सबसेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 60 को थोड़ा ध्यान से देखो। एस के अंदर वो सारे स्ट्रेट लाइन हैं प्लेन के अंदर जो पास हो रहे हैं थ्रू एटलीस्ट टू डिफरेंट रेशनल कोऑर्डिनेट, कम से कम दो रेशनल। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी लाइन लूँ उसके लिए मुझे क्या ढूंढ के लाना पड़ेगा? दो रेशनल नंबर। हर लाइन के लिए कितने दो रेशनल नंबर चाहिए? अब ऐसे कितने रेशनल नंबर होंगे? काउंटेबल रेशनल नंबर, ठीक है। तो मैं अब कोई भी लाइन नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। तो जब मैं लाइन लूँगा तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि वो कितने पॉइंट से कट होने चाहिए, कम से कम दो रेशनल से कट होने चाहिए। तो अगर मैं सोचूं कि सारे में इरेशनल से कट करा के एक लाइन लेके चले तो पॉसिबल नहीं है। तो अब ध्यान से सुनो, कह रहा है कि एस सेट अप ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन ईच ऑफ विच पासेस थ्रू एटलीस्ट टू डिफरेंट रेशनल कोऑर्डिनेट। मतलब ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है, इसमें भी रैशनल्स होंगे, इसमें भी रैशनल्स होंगे, रैशनल्स ही रैशनल्स दोनों होंगे। जब मैं कोई भी लाइन कट कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कम से कम दो रैशनल्स को कट करके जाए, रैशनल कोऑर्डिनेट को। तो जब मैं रैशनल को कट करके जा रहा हूँ तो कितने ऑप्शन होंगे मेरे पास? जितने रैशनल्स होंगे, क्योंकि ये दो बार तो कट करेगा ही, तो मतलब यहाँ से एक रैशनल चाहिए, यहाँ से एक रैशनल चाहिए। जब यहाँ से कट करूँगा तो यहाँ से एक रैशनल, यहाँ से एक रैशनल, और ऐसे कितने रैशनल्स हैं? काउंटेबल, तो मेरा पहला सेट काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल नहीं हो सकता। एक्स वो सारे नंबर हैं जो कि आर स्क्वायर के अंदर रैशनल पॉइंट है। अब आर स्क्वायर के अंदर रैशनल पॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी पॉइंट बिलोंग कर रहे हो तो ये भी क्यू से बिलोंग करेगा, और ये जो पॉइंट यहाँ बिलोंग कर रही है ये भी किसको बिलोंग करेगा? क्यू को बिलोंग करेगा। मतलब दोनों ही एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? क्यू। तो इसके पास ऑप्शन कितने? अलीफ नॉट। इसके पास ऑप्शन कितने? अलीफ नॉट, अलीफ नॉट क्रॉस अलीफ नॉट, अलीफ नॉट। तो देयर फोर ये सेट की क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? काउंटेबल। ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, तो वन एंड बोथ आर काउंटेबल। तो दोनों ही सेट काउंटेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इफ एवरी सबसेट ऑफ सेट इज अ काउंटेबल देन सेट इज काउंटेबल। अच्छा एक बात बताओ, किसी सेट का मैं हर सबसेट ले लूँ, इसका मतलब क्या है? वो खुद ही आ जाता है। जब वो खुद काउंटेबल है, हाँ, तो इसका मतलब वो सेट काउंटेबल होगा। एवरी कह दिया ना कि जितने भी सबसेट हैं वो खुद भी आ रहा है, और अगर वो काउंटेबल है तो इसका मतलब वो खुद, मतलब खुद ही कह रहा है ना कि मैं बोल रहा हूँ कि एक सेट के जितने भी सबसेट है वो सारे काउंटेबल है, तो उसमें खुद ही आ गया वो, तो इसका मतलब वो खुद क्या हो जाएगा? काउंटेबल। इफ एवरी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट इज काउंटेबल देन सेट इज अ काउंटेबल। ये भी करेक्ट है कि अगर किसी भी सेट का सारे प्रॉपर सबसेट अगर काउंटेबल हो जाए तो वो काउंटेबल होगा। अगर सपोज ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? एक काम करो, मैं एक कह रहा हूँ ये सेट है, मैंने उसके सारे प्रॉपर सबसेट ले लिए, ठीक है, ये सारे प्रॉपर सबसेट हैं, हाँ, और मैं कह रहा हूँ कि इफ एवरी प्रॉपर सबसेट काउंटेबल और ये सारे काउंटेबल है, और मान लेता हूँ मेरा सेट अनकाउंटेबल है, तो जब मैं काउंटेबल 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 को हटा रहा हूँ तो यहाँ पे अनकाउंटेबल बचेंगे, तो अनकाउंटेबल में से एक ऐसा प्रॉपर सबसेट निकाल सकता हूँ जो अनकाउंटेबल है। मतलब एक ऐसा प्रॉपर सबसेट आ गया जो अनकाउंटेबल है, इसका मतलब ये मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कह रहा है सारे प्रॉपर सबसेट क्या होंगे? काउंटेबल। तो अगर सारे सबसेट काउंटेबल है, प्रॉपर सबसेट, इसका मतलब उस सेट को भी काउंटेबल होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जब मैं सारे प्रॉपर सबसेट को काउंटेबल को निकाल रहा हूँ और उसको अगर पूरे अनकाउंटेबल में से माइनस कर दूँ तो मेरे पास अनकाउंटेबल बचेंगे, तो उस अनकाउंटेबल में से मैं एक और ऐसा प्रॉपर सबसेट निकाल सकता हूँ जो कैसा होगा? अनकाउंटेबल होगा। मैं एक काम करता हूँ, उस सेट को माइनस कर देता हूँ, पूरे x में से उस सेट को माइनस कर दूँ, जो a क्या है मेरा, जैसे पूरा सेट है x, इसमें उन सारे प्रॉपर सबसेट को माइनस कर दूँ जैसे मैं कह रहा हूँ, तो अब x में से a को माइनस कर दूँ, क्लियरली ये x का क्या है? प्रॉपर सबसेट है और अनकाउंटेबल है, तो देयरफोर ये कैसा नहीं हो सकता? काउंटेबल नहीं हो सकता। तो देयरफोर अगर जितने भी प्रॉपर सबसेट है वो अगर काउंटेबल है तो सेट को भी काउंटेबल होना पड़ेगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 62। अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो क्वेश्चन है ना ये सब हम जब MSc वगैरह में टोपोलॉजी पढ़ते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी थ्योरी या फिर सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेजर थ्योरी में, तो मेजर थ्योरी में या फिर हम जब पार्टीशन पे काम करते हैं हमारे पास कोई एक सेट गिवन है, जैसे अलग अलग सेट गिवन है, जैसे ये इस टाइप के कुछ सेट गिवन है, ठीक है, बहुत सारे सेट है A1, A2, A3, और मुझे एक ऐसा सेट का कलेक्शन लेना है जो सब आपस में कैसे हो, पार्टीशन बनाए, मतलब सब डिसजॉइंट हो, लेकिन अगर मैं उनका यूनियन ले लूँ तो वो AI के यूनियन के इक्वल हो, तो उसकी कुछ सर्टन प्रॉपर्टीज़ होती है। अब मेरा एम ही ये है कि सारे सेट क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए। तो इसका मतलब देखो मैं पहले ऑप्शन ही बता देता हूँ, बाद में हम लोग चेक करेंगे क्या कि जी इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट सेट, क्योंकि मेरा एम ही वही है, हम लोग उस तरीके से कंस्ट्रक्ट ही करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन है जो मतलब क्वेश्चन में दिया है ना, अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे किस तरीके से किसी सेट को क्या करना है, डिसजॉइंट बनाना है, अगर मेरे पास कुछ सेट ऑफ सेट दिया है, मतलब कलेक्शन ऑफ सेट है, वो आपस में डिसजॉइंट नहीं है, मैं एक कलेक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर सारे डिसजॉइंट सेट होंगे जिसका यूनियन पहले कलेक्शन के यूनियन के इक्वल होगा। तो मैंने पहले क्या कहा, मुझे कैसा कंस्ट्रक्शन करना है, डिसजॉइंट, मतलब पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया कि जो भी मैंने सेट कंस्ट्रक्ट किया वो डिसजॉइंट है। सेकेंड कह रहा है कि पहले वाले कलेक्शन का यूनियन, जो सेट ऑफ कलेक्शन जो सेट का है उसका यूनियन, और जो मैंने नया कंस्ट्रक्ट किया है सेट उसके कलेक्शन का अगर मैं यूनियन ले लूँ सेम आना चाहिए। और दूसरी बात, क्वेश्चन में गिवन है कि हर एक AI अगर काउंटेबल है तो उसका कलेक्शन काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, और AI का यूनियन और BI का यूनियन अगर सेम है, तो अगर AI सारे काउंटेबल है उसका यूनियन काउंटेबल हो गया और वही BI के यूनियन के इक्वल है, तो सारे BI का यूनियन कैसा हो जाएगा, काउंटेबल। तो ये भी करेक्ट हो गया, मतलब सारे करेक्ट हो गए। अब ये सेट BI को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं वो क्वेश्चन में दिया है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चंस को, मैं एक काम करता हूँ, जैसे मान लो A और B दो सेट है, ये मान लो A1 और ये A2 है, ठीक है, A और B नहीं, A1 A2 ले लेते हैं। कह रहा है एक बी कलेक्शन बनाऊंगा B1 B2, इस तरीके से बनाऊंगा कि B1 को तो मैं ले लूंगा A1, मतलब मेरा जो B1 है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, B1 की वैल्यू A1 के इक्वल हो जाएगी, तो मेरा B1 क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये पूरा मेरा पार्ट B1 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब मुझे बनाना है B2, B2 में से क्या कह रहा है, उसके पीछे वाले जितने भी, मतलब A1 और उसके पीछे जितने यूनियन होंगे उन सबको माइनस कर दो, तो अभी क्या बच रहा है, सिर्फ A1 बच रहा है, तो B2 जो है वो A2 में से A1 को माइनस कर दो, तो A2 में से जब A1 को माइनस कर दूंगा तो यही वाला पार्ट बचेगा। क्लियरली जो B2 है मेरे पास वो मेरा आ रहा है A2 में से A1 को माइनस कर दूंगा, ठीक है, A2 में से A1 को माइनस कर रहा हूँ मैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसका यूनियन लूँ, ये मेरा B1 है और ये B2 है, दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है, दोनों का अगर मैं यूनियन लूँगा तो किसके इक्वल आ रहा है, A1 यूनियन A2 के इक्वल आ रहा है, ये हो गया दो सेट के लिए। ऐसे में क्या कर सकता हूँ, तीन सेट के लिए कर सकता हूँ, जैसे मान लो ये मेरे पास 1, 2, 3 सेट है और मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ B1, B1 की वैल्यू मेरी A1 के इक्वल हो जाएगी, B2 A2 में से A1 को माइनस कर दूंगा, और एक B3 बनाऊंगा जिसमें मैं A3 में से A1 यूनियन A2 को माइनस कर दूंगा। ये मेरा क्वेश्चन में गिवन है कि इस तरीके से मैं एक सेट कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। देखो मैंने आपको जो क्वेश्चन से बताया है ना वो यही चीज़ है कि यही हमको ऐसा बिल्ड करना था कि सारे सेट कैसे हो, डिसजॉइंट हो, और ये उसका कंस्ट्रक्शन जिसका यूज़ हम लोग मेजर थ्योरी में बहुत करते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, B1 क्या है मेरा A1 के इक्वल है, मतलब ये पूरा सेट मेरा B1 हो गया, तो ये इसको मैं बोल दूंगा B1। नेक्स्ट बात करते हैं B2 की, B2 क्या कह रहा है कि A2 में से A1 को माइनस कर दो, तो ये जो पूरा पार्ट है ये मेरा, ये पार्ट को मैं क्या बोल दूंगा B2, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा अभी तक, कोई कॉमन एलिमेंट आया इसमें नहीं। अब B3 क्या कह रहा है
कि A3 में से ये जो A3 है, A1 यूनियन A2 को माइनस कर दो, मतलब ये A1 यूनियन A2 को माइनस कर देंगे तो जो ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये क्या आ जाएगा, B3 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, B1 पूरा ये है, B2 पूरा ये है, B3 पूरा ये, तीनों में कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं है, तीनों का यूनियन ले लूँ तो A1 A2 A3 के इक्वल आ रहा है, मतलब पहली दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो सारे सेट कैसे आपस में डिसजॉइंट है, तो पहला ऑप्शन राइट कि जी एक ऐसा कलेक्शन है डिसजॉइंट सेट का, और कह रहा है कि अगर मैं बी आई का यूनियन ले लूँ तो वो ए आई के यूनियन के इक्वल होगा, और अगर मैं बी के का काउंटेबल कलेक्शन ले लूँ तो सारे ए आई, अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन में गिवन है, थर्ड ऑप्शन क्या था कि ए आई सारे काउंटेबल सेट का कलेक्शन है, तो अगर मैं उसका यूनियन ले लूँ, काउंटेबली यूनियन ले लूँ, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ये पूरा काउंटेबल हो गया, और यही किसके इक्वल दिया है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी का यूज़ करके कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल, मतलब ये भी काउंटेबल हो जाएगा, तो इससे मेरा सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही करेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में आता है, ठीक है, तो इसमें ऑल थ्री डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर दें, उसके बाद फिर आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करते हैं, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में काउंटेबिलिटी के भी क्वेश्चंस करेंगे, और अब मैं आप इसी में इंक्लूड कर दूंगा किसका क्वेश्चंस, पॉइंट सेट टोपोलॉजी इन आर एंड आर स्क्वायर। अच्छा, इसके बहुत क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको पूरे आइडिया क्लियर हो जाए, ताकि आप सिक्वेंस, कंटिन्यूटी, डिफ्रेंसिबिलिटी जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी लगने लगे, क्योंकि मेन जो है ना वो पॉइंट सेट टोपोलॉजी और सेट थ्योरी रहता है, क्योंकि यहाँ से आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाता है रियल एनालिसिस। एक्चुअल में IIT जैम में रियल एनालिसिस के अंदर यही सब पढ़ते हैं हम लोग, बाकी को तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, रियल एनालिसिस को उसमें डिफ्रेंसिबिलिटी, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियल कैलकुलस में है, इंटीग्रल कैलकुलस को अलग कर दिया है, मल्टीपल वेरिएबल को अलग कर दिया, लेकिन जो मेन रियल एनालिसिस है वो यही सब है, और नेट में तो इसी के बेस पे ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कौन सा फॉलोइंग इसमें से ट्रू है, ध्यान से देखो, एक सेट बना दो जिसके अंदर e^x होंगे, और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसा कितने e^x बना सकता हूँ, जितने रियल नंबर हैं, क्योंकि इस सेट के अंदर सिर्फ e^x ही फंक्शन है, ऐसे कितने फंक्शन मैं डिफाइन कर सकता हूँ जिसका x, ये डिपेंड करता है कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो आप बोलोगे x रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, तो मैं ऐसे अनकाउंटेबल फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि x मेरा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, मैं e डिफाइन कर सकता हूँ जब n1 हो, मैं e^5 डिफाइन कर सकता हूँ, मैं e^2 डिफाइन कर सकता हूँ, e^6 डिफाइन कर सकता हूँ, e^-1 डिफाइन कर सकता हूँ, e^3 डिफाइन कर सकता हूँ, e^-1/2 डिफाइन कर सकता हूँ, e^6.3 डिफाइन कर सकता हूँ, ऐसे कितने चॉइसेस मेरे पास x के लिए, ऐसे अनकाउंटेबल चॉइस, ऐसे सी चॉइसेस है मेरे पास, तो देयरफॉर ये सेट कैसा हो जाएगा, अनकाउंटेबल। ये क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन 0, कुछ और कंडीशन दिया है, कह रहा है x, ये सपोज 0 है, ये अगर सपोज 0 है तो 0 से बड़े सारे नंबर, अब ऐसे कितने चॉइसेस है log x के लिए, टोटल अनकाउंटेबल चॉइसेस है, पूरे सी चॉइसेस है, क्योंकि हर एक इंटरवल किसके इक्विवेलेंट होता है, रियल नंबर के, तो देयरफॉर अगर x के लिए अनकाउंटेबल चॉइसेस है तो ऐसे कितने में डिफाइन कर सकता हूँ, log 1, log 2, log e, log pi, ऐसे कितने डिफाइन कर सकता हूँ, तो अनकाउंटेबल फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ। साइन x, x इज बिटवीन -π/2π, मतलब ये अगर मेरा साइन x है तो -π/2, ऐसे अगर रियल नंबर है तो ऐसे कितने पॉइंट होंगे, इसकी कितनी वैल्यू आएगी, तो ये भी तो पूरा एक इंटरवल ही बना रहा है, तो ये भी कैसे आ जाएंगे, पूरा अनकाउंटेबल, मतलब -1 से लेके ये पूरा -1 से लेके 1 तक टोटल इसके पास अनकाउंटेबल चॉइसेस होंगे, तो देयरफॉर क्योंकि इसके पास अनकाउंटेबल चॉइसेस है तो इसके पास भी कितने चॉइसेस होंगे, अनकाउंटेबल, तो देयरफॉर ये कैसा हो जाएगा, अनकाउंटेबल। तो ये तीनों ही आंसर रॉन्ग हो गए, अपने को ट्रू चेक करना है। सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस z^n वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ काउंटेबल सेट, सीधी सी बात है,
कोई भी पॉलीनोमियल ले लो उसके पास हमेशा एन रूट होते हैं, एन डिग्री का पॉलीनोमियल है। किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स के अंदर, रियल के अंदर हो या ना हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेट के अंदर हमेशा एन डिग्री। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं एन, तो एन क्या है? काउंटेबल सेट। तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो आज हमने 63 क्वेश्चन डिस्कस किए, एक लेक्चर और होगा जिसमें कुछ काउंटेबिलिटी के और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद से जो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर से उसमें हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी के भी क्वेश्चन कर, और हालांकि पॉइंट सेट टोपोलॉजी के बहुत क्वेश्चंस हैं, तो लगभग 5 से 6 लेक्चर और जाएंगे जिसमें हम लोग काउंटेबिलिटी और रियल एंसेस के लेक्चर्स क्वेश्चंस बहुत कर देंगे। उसके बाद सीक्वेंस में टाइम लगेगा, हालांकि उसके बाद मल्टी वेरिएबल डिफेंसिबिलिटी के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन सीक्वेंस के बहुत क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस को डिफरेंशिएबिलिटी को साथ साथ लेके चलेंगे, थोड़ा कंबाइन करेंगे। मेन अपना यही था, ठीक है, एक बार काउंटेबिलिटी और रियल एंसेस के सारे क्वेश्चंस हो गए ना, तो जो अगर मैं थोड़ा अलग करूँ उसको डिफरेंशियल कैलकुलस में, तो वहाँ के क्वेश्चंस को मिक्स करके करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।